का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जयमेंट अकेडमी में। बात करेंगे यूपीटी प्लस से रिलेटेड। आज दो बहुत ही बुरे खबर हैं, चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसका डर था वही हुआ, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि आयोग जो है पोस्टपोन करने की जो आदत है अभी भी गई नहीं है। आज जो है 13 तारीख था और आयोग में जाने के बाद ये पता चला किस रिजल्ट के बारे में, JEE 2016 के रिजल्ट के बारे में, कि 10 तारीख को रिजल्ट आना था, 10 जून को रिजल्ट आना था, कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। इसको लेकर अभ्यर्थी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मेरे कमेंट बॉक्स में या किसी के भी कमेंट बॉक्स नहीं छोड़ रहे थे कि आखिर क्या हुआ कि 10 जून को रिजल्ट नहीं है। तो असली जो वजह है आज जो है 13 तारीख को पता चली है कि रिजल्ट जो है आपका जो कारण बताया जा रहा है वो वीडियो री एग्जाम को बताया जा रहा है, कि सारा जो आकर्षण है यानी सारा जो सेंटर पॉइंट अभी आयोग का चला गया है वो वीडियो री एग्जाम पे चला गया, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। नॉन लॉजिक बता दीजिएगा, ये बहाना कह लीजिएगा कि सब कुछ तैयार है तो आखिर आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे। अब इतना समझ लीजिए आयोग का जो बहाना बनाने की जो आदत है वो उसमें फिर से सफल हो गया है। ये बोला कि वीडियो री एग्जाम के बाद ही हम आपका रिजल्ट देंगे, तो देखिए वीडियो री एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है यानी ये उसके लिए अपडेट जो है मैं आपको देता रहूँगा इसी चैनल पर। लेकिन इस समय जो है JEE 18 का रिजल्ट जो है काफ़ी लोग भी ये भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट जुड़ा हुआ है JEE 2016 के रिजल्ट से। तो मैं आपको बता दूँ इसके वजह से आपका जो रिजल्ट है वो जून में आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। आपके रिजल्ट जून में आएंगे या नहीं इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ कि आपका रिजल्ट जून में आएगा या नहीं। फिलहाल जो है JEE 2016 का रिजल्ट जो है पोस्टपोन हो गया है, 2018 का रिजल्ट जो है जून के बाद ही आने की संभावना लग रही है जैसे जो है सिनेरियो बना हुआ है। इसी तरह के अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है इसका वीडियो जो है मिस नहीं करता हूँ। कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, ये वीडियो डेली नहीं बना पा रहा हूँ। और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप है सब में फैला दीजिए। थैंक यू।